वो तो गेट जाएंगे तब ना। मैडम सीसीटीवी चेक करा दीजिए। मैम सीसीटीवी सीसीटीवी चेक मैडम सीसीटीवी चेक करा दीजिए मुझे। हम वॉशरूम में भी होने चाहिए। कहाँ कहाँ लगे हैं? लगे भी हैं कि नहीं लगे? एक मिनट, हर आदमी ऐसे बोलता जाएगा एक एक करके, उससे ना तो उनको बात समझ आएगी ना आपकी बात को। इफ यू विल टेक रिस्पांसिबिलिटी देन यू कैन से। एक मिनट, आप पहले आप तमाम लोग चुप हो जाएं एक सेकंड के लिए। बात करने का ये कोई तरीका नहीं है कि 50 लोग बोलें और एक आदमी जवाब दे। बिल्कुल, ना वो उनकी बात को समझ पाएंगे ना आपके आंसर को दे सकते हैं। सारा स्कूल मैनेजमेंट सारे आपके कंसर्न को जानते हैं, पुलिस भी आपके कंसर्न को मानती है। आप एज पेरेंट इस इंसिडेंट के कारण डरे हुए हैं, बट एक मैम एक बच्चे का नाम रिदम है। नहीं, मैम ने हमको बोला है, मैम ने बोला है सीसीटीवी चेक कराएंगे किसी एक आदमी को। आई वांट टू सी द सीसीटीवी, ये करा दीजिए बस बस। सुन तो मेरे भाई, देखिए आप जिस तरह बात कर रहे हैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ मैं। सर हैरान तो हम नहीं हैं। आपको प्रिपेयर होना चाहिए था इस चीज के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता था कि पेरेंट्स आएंगे आएंगे। आप रेडी क्यों नहीं थे पहले? आपको हैरान होना ही नहीं चाहिए इस बात के लिए। सुनिए 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 सुनिए, चलिए आप बोल रहे हैं फिर मैं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे, आप तमाम लोग बोल रहे, बोल लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? अगर कुछ इंसिडेंट होगा तो आप बोलिए। सर लेट्स नॉट डिस्कस, सर सर लेट्स नॉट डिस्कस, सीसीटीवी चेक करा दीजिए। ये कोई कहानी सुनाने आप सीसीटीवी चेक करा दो सर, सीसीटीवी चेक कराओ। काम करें मैडम, एक काम करिए तो हम लोग, आप एक मिनट मैम प्लीज काइंडली सुनिए। आप तमाम लोगों का जो भी कंसर्न है, एक कंसर्न है केवल, जो भी एक आपका एक है, आपके अलावा बाकी को सबका एक है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज द ओनली कंसर्न, दैट इज नो जो भी कंसर्न है, जो भी आप स्कूल मैनेजमेंट से कहते हैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और अपने आप को सेफ महसूस करने के लिए, उसको लेकर कोई भी एक आदमी आपकी तरफ से ग्रीवांस डिस्कस करके लिख के दे दें कि हम ये चाहते हैं कि आगे से हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए ये चीजें की जाएं। ये स्कूल मैनेजमेंट करेगा। अभी अभी फिलहाल देखिए, अगर दो तरह, अगर आप अभी कोई बात करना चाह रहे हैं प्रिंसिपल मैम से, एक मिनट मैम, आप तमाम के बच्चे ही यहाँ पढ़ रहे हैं, इस समय स्कूल चल रहा है, स्कूल के एग्जाम के टाइम में
आप लोग कोई भी बात करना चाहते हैं तो बाद में इकट्ठे होकर मिल सकते हैं। आज ही दो बजे कंसेंसस बनाना होता है। मैम आपने कहा था इनको देखने के लिए भेज दीजिए, मैम इनको भेज दीजिए, आप सीसीटीवी चेक करा दीजिए, सीसीटीवी कैमरा। आपको कोई दो लोग आपके चले जा रहे एक आदमी के लिए हम इनको देंगे नाम से इनके कुछ नहीं करना, आप नहीं करना, बोलो इनको भेजो सर। हम क्या सजेशन देंगे नॉर्म से स्कूल के, क्यों नहीं फॉलो हो रहे वो नॉर्म्स, हमसे सजेशन क्यों मांगे जा रहे हैं? वहाँ पे पेरेंट्स के अलग में होता है, जो सड़क के होता है एवरीबडी कैन एंटर, इवन 11 बजे में आ जा, मैं पूछे जाए पहले नहीं क्या, जब छुट्टी होती है सड़क के हो जाए एवरीबडी एंटर, मेरा एक कंसर्न है, व्हाट इज द रीजन, देयर इज नो चेकिंग मैम। जब